भिवंडी के अवचित पाड़ा स्थित इकल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमिगत गटर योजना के पंपिंग स्टेशन एफटीपी प्लांट के पानी टंकी में एक 18 वर्षीय बालक की डूबकर मौत हो गई, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से निकालकर उसे देर शाम पोस्टमार्टम हेतु इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में ले जाया गया। हमें मिली जानकारी के मुताबिक अवचित पाड़ा निवासी जियाउल हक सिद्दीकी नामक एक पाव विक्रेता का लड़का आसिफ शुक्रवार को लगभग 4 बजे अपने दोस्तों और चचेरे भाई के साथ घर के पास स्थित भूमिगत गटर के पंपिंग स्टेशन के पानी की टंकी में नहाने गया था। नहाते समय जब वह डूबने लगा तो उसके चचेरे भाई जावेद द्वारा शोर मचाने के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड मनपा और पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने आसिफ के शव को बाहर निकाला। ठेकेदार कंपनी द्वारा इतने बड़े प्लांट में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था न करना आश्चर्य का विषय बना हुआ है। स्थानीय समाज सेवक अलमदार ने इस संबंध में ईगल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। टीम VL24 न्यूज़।